पहुंचे हैं हम लोग अपनी पहली जगह पे जहाँ हमने पीनी है चाय। सो अभी हम आए हैं चाय के लिए। यहाँ फेमस है सागू रेस्टोरेंट, लेकिन असल में चाय सर्व करते हैं, बाकी चीज़ों को मेरे को पता नहीं है, कुछ करते नहीं करते, बट चाय के लिए ये लोग बहुत फेमस हैं। और अभी हम लोग आ रखे हैं अपने दोस्तों के साथ चाय के लिए। इन लोगों की नींद भी खुली है शायद, बट अभी बजे हैं सुबह के 9:30 और हम लोग अभी इस जगह पे हैं चाय के लिए। ये रही चाय जो कि हम लेंगे अभी। सो ये रहा जयपुर वाइल वॉकिंग, राइडिंग तो आप देख ही चुके हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि अभी चाय पी थी तो अभी हम जा रहे हैं कचौड़ी खाने। यहाँ की एक फेमस सम्राट कचौड़ी है, उसको हम खाने जा रहे हैं इस समय। और ये रहा यहाँ का प्यारा सा हमारा जयपुर। सामने चल रहे हैं तनिष्क, और बिकॉज मैं शूट कर रही हूँ तो निखिल ने सारे हेलमेट पकड़े हुए हैं। निखिल आप कुछ बोलना चाहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ये तो हो ही सकता है एटलीस्ट। हाँ क्या बोलूंगा तो वीडियो खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली तू करता है ना मेरी वीडियो खराब, इसलिए। और हम पहुंच गए हैं बहुत फेमस सम्राट कचौड़ी पे। यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है और आज हम ये ट्राई करने वाले हैं। सो उसी जो चाय की दुकान है उसी के काफी पास है ये। सो खा के देखते हैं और बताते हैं कि कैसी थी, वर्थ ट्राइंग थी या नहीं। लेट्स चेक इट आउट। सो अभी हम लोग, जैसे कि आपको बताया है, हम सम्राट कचौड़ी पे, और ये 25 रुपीज की कचौड़ी हम लेके आए हैं जो कि खाने वाले हैं। इसमें इन लोगों ने एक, आप देख सकते हैं, अगर एक वाइट से कलर की तो नहीं बोलूंगी बट क्रीमिश से कलर की चटनी दी है, उसको खाते हैं और बताते हैं कि ये कैसा है। इतने अच्छी लग रही है, गर्मा गर्म है, मेरे हाथ काफी गर्मी लग रहा है समय। तनिष्क और निखिल खाके, और अब हम ट्राई करेंगे जलेबी यहाँ की। देखते हैं जलेबी कैसी बन रही है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से कचौड़ी खाई थी, वहीं से हम लोगों ने लिए जलेबी। खाते हैं और देखते हैं कैसी है। अच्छी है। तनिष्क कह रहा है कि बैंड करवाया जाए, करवाया जाए नहीं, तनिष्क करवा देते हैं बैंड। और ये हम आसमान के ट्रैफिक में, ये रहा ट्रैफिक, ये रहा आसमान। यू गाइस कैन रिलेट हाउ बैड आई एम जोक। देखो लग रहा है तनिष्क टाइम में धक्के मार के डालने वाला है कि बेटा तू तो मत ही जाए। ये रहा हमारा हवा महल। और अभी हम लोग नाश्ते के बाद पहुंच चुके हैं अपने दोस्तों का भी व्यू दिखाएंगे कैसा है और कैसा बन रखा है, क्या है। सो बहुत अच्छा नाश्ता था। अब थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर निकलेंगे आगे के विजिट के लिए। ओके सो दिस इज द कॉमन रूम यू सी। Hi. Okay, so here they also have the schedule if you want to, like, you're staying here for a longer time and you would like to explore places with the social staff. So they have the schedule. And also Nikhil, you said that you won't be coming in the vlog. I see guest appearance. ओके सो अभी हम लोग जाते हैं किचन की तरफ। लेट्स सी हाउ द किचन इज। सो दिस इज द किचन थिंग यू सी। सो
So there are some rooms over there. And then our room is upstairs. So let's just go and check it out. Okay, so abhi hum log ja rahe hain apne room ki taraf. I'm gonna show you how the room is. So this is also rooftop area. You can sit over here if you want to. Some people have also hung their clothes over here. And this is how it looks. And my room number is 208. I am staying in a dorm, which is on 6-on-6 sharing basis. So this is the dorm. It's all messed up right now, and some people are sleeping. So I won't wake them up. But yeah, this is how it looks. Tanishq's sleeping over there. That's my bunker bed. And baki sab to so hi rahe. Hi guys, so abhi hum log hai jantar mantar mein, and because the weather is so good, it's sometimes sunny and then suddenly it's raining. So acha lag raha hai, bahut mausam bahut acha hai. Abhi I can again see ki cloudy ho chuka hai, and because barish ho gayi to sara ye bhi jitna bhi yahan pe monumentation inhone kar rakhi hai wo sab dhul gayi hai. So the place is looking very beautiful. One thing is that ki hum logo ne guide nahi kiya hai, because thoda sa jaldibazi mein hum log yahan pe aaye the, abhi aur bhi cheeze cover karni hai. So guide, if you come over here, what is important is you have a guide, because tabhi aapko yahan pe jo cheeze hum logo ne bana rakhi hai measurements ke liye, made be the to check the altitude or to check the time, you need to have a guide, because guide aapko dhang se batayega ki yahan pe kya hai, kisne hai, kisne banayi hai sab. So आप लोगों ने वो नहीं किया है तो मैं इतना ढंग से आपको इंडस्ट्रेशन नहीं दे पाऊंगी इस वीडियो में. बट आई एम श्योरली मेक यू वॉच द थिंग्स आई एम वॉचिंग, द मॉन्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग. सो यस, इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट. और अभी वेदर देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बिकॉज यू कैन सी ऑल माय हेयर लाइक गोइंग हेयर एंड देयर. सो या द वेदर इज वेरी नाइस एंड बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये सब. सो आई एम हैविंग अ गुड टाइम एंड आई थिंक कि पूरी ट्रिप ही अच्छी रहेगी. कल दिल्ली जाना है वापस सुबह. सो मैंने भी काफ़ी कूल चीज़ देखी है जो कि आई वुड लाइक यू गाइस टू सी. ये देखिए रिक्शा कितने कूल लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं एक्चुअली. और ये हमारे आजकल के ई रिक्शा, ये पुराने जमाने के अच्छे वाले रिक्शा. तो पॉइंट इज कि आज मैं जा रही थी नाहरगढ़ फोर्ट, और मेरे साथ जो दो मेरे फ्रेंड्स आए थे वो आगे चल रहे थे, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं. और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि मैंने फ़ोन तक कैरी नहीं किया है अपना. सो आई थिंक मेरे को सारी दिक्कत आने वाली है उनको ढूंढने में, बिकॉज आई डोंट नो, क्या पता वो मेरा पीछे वेट कर रहे हो, क्या पता वो आगे निकल गए हो. फ़ोन है नहीं, कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है. सो आई आज तो दिक्कत है थोड़ी, क्योंकि हो सकता है कि उनको चिढ़ मच जाए इस बात से कि सौम्या व्हाई डिडंट यू कैरी योर फोन, और क्यों हमें हमसे ट्रैक नहीं करी थी तुम. बट कांट से एनीवे. एंड मेरे को अपना फ्रेंड मिल गया है, सो आई एम रियली हैप्पी. आई एम एबल टू सी हिम एंड नाउ इट्स लाइक थैंक गॉड, बिकॉज नहीं तो हम लोग क्या करने वाले थे, कौन कहाँ होता पता नहीं रहता. क्या पता वो हॉस्टल चले जाते हैं वापस ये सोच के कि मैं वापस आ गई हूँ और मैं पहुँच गई होती नाहरगढ़ फोर्ट. तो बहुत अजीब लगता है ये सब चीज़. बट क्योंकि अब हमको मिल गए हैं तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को लेकर कि फाइनली हम लोग साथ में ट्रैवल करेंगे कहीं भी. इतना ज़्यादा कीचड़ हो रहा है यार, पता बारिश के साथ ना यही एक दिक्कत है. व्हेन इट रेन्ड इट फील्स सो नाइस, बट आफ्टरवर्ड्स गड्ढे कीचड़, इतना बड़े गड्ढे पता भी नहीं लग रहा है कि बाइक कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, कितना बड़ा गड्ढा है नहीं. अभी अभी देख सकते हैं मेरा पैर पूरा गंदा हो चुका है, कीचड़ से पूरा लग गया है. बट शूज चेंज करने वाले हैं बहुत. मेरे को ना हमेशा से ऐसे रास्तों में, क्योंकि आदत कभी चला ही नहीं है, दिल्ली में तो ऐसे रास्ते हैं ही नहीं, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस होती है. बट लाइक लास्ट टाइम जब किया था तब थोड़ा और डर था, बहुत थोड़ा कम डर है. हमेशा मैं माउंटेन्स पे स्लोली चलती हूँ, बिकॉज ठीक है स्किल्स भी, अगर इफ यू कैन लाइक गो अ लिटिल फास्ट ऑन माउंटेन, नॉट लाइक
70-80 में भगा रहे हो, बट ठीक है 30-40 इज अ डीसेंट स्पीड व्हिच आई मेंटेन एंड सो मेरे को हमेशा थोड़ा सा रहा है माउंटेन्स में चलाने के लिए, थोड़ा सा डर लगता है, बट इस बार इट्स फार 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 मोर बेटर, आई एम मोर कॉन्फिडेंट एंड या सो बट अभी आपने देखा जिस तरह का वो था और अभी लगता है मेरे दोस्त ने अभी करी है किसी की मदद, अटक गई लगता है उनकी स्कूटी। यस सो दिस इज वन थिंग दैट बीइंग अ बाइकर बीइंग अ राइडर और नॉट इवन अ बाइकर राइडर अ ह्यूमन बीइंग यू शुड डू व्हेनेवर यू सी समबडी इन ट्रबल यू शुड एक्चुअली गो एंड हेल्प देम आउट बिकॉज आपको उनका नहीं पता कब आपके साथ वो सेम चीज हो जाए। सो चलते हैं वापस, मदद हो गई है पूरी और अभी ये जिप्सी में जा रहे हैं शायद से कुछ फॉरेन के टूरिस्ट। बहुत सुंदर रास्ता है, अच्छा है, मतलब ऑब्वियसली आप अकेले हैं तो थोड़े घुमाव वगैरह ज्यादा है बट एटलीस्ट वन थिंग व्हिच आई एम रियली हैप्पी अबाउट इज कि रोड्स मेंटेन्ड है। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये जगह, इट्स वेरी प्रिटी, बहुत अच्छे से इन लोगों ने बना रखी है एंड पता नहीं क्यों बट इट समहाउ रिमाइंड्स मी ऑफ किंगडम ऑफ ड्रीम्स। ऑल्सो रामोजी फिल्म सिटी जो हैदराबाद में है वो भी थोड़ा इसी तरह से बन रखी है, सो इट इज़ वेरी प्रिटी। ये अंदर का पैलेस का व्यू है, you guys see मैं अभी ये सोच रही हूँ कि ये असल में है क्या बिकॉज मुझे समझ सा नहीं आया है बट जो भी है काफी सुंदर लग रहा है, मतलब राजा महाराजाओं के कितने मजे होते थे कि वो इतने सुंदर सुंदर महलों में रहते थे जिनको बनने के लिए उन्होंने कितने साल लग जाते हैं एंड आई मीन इंडिया वॉज प्रिटी रिच, इतने बड़े बड़े इन लोगों ने पैलेसेस बना रखे हैं यहाँ पे, चाहे वो आमेर फोर्ट हो चाहे वो नाहरगढ़ फोर्ट हो, तो ये फोर्ट है जैसे सिटी पैलेस हो गया वो सब इतने सुंदर बन रखे हैं कि इट ऑलवेज गिव्स अ वेरी गुड अपील। और अब जब मैं ऊपर आई हूँ तो मेरे को पता लगा यहाँ पे थर्ड फ्लोर भी है। निखिल से हाय, वो छोटा सा चीटा दिख रहा है आपको, दैट इज माई फ्रेंड निखिल। जो जगह हमने देखी थी अभी पैलेस की जैसे आपको दिखाया था उसी का ऊपर का व्यू है ये, और हम लोग जा रहे हैं रूफ टॉप में। Oh my God. और हम लोग आ गए हैं रूफ टॉप में, वाओ दिस इज सो प्रिटी। तो अभी राहगढ़ फोर्ट में हम लोग यहाँ पे हैं, इतना सीनिक व्यू है, वेदर तो अच्छा है जैसे मैं बाबा रिपीट कर चुकी हूँ बट द व्यू इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सो व्हेनेवर यू कम टू जयपुर डोंट मिस आउट नाहरगढ़ फोर्ट, इट्स माई अल्टीमेट रिकमेंडेशन बिकॉज बाकी सब जगह भी देखी है, नाहरगढ़ फोर्ट इज द वन विच इज़ द बेस्ट, सो नाहरगढ़ फोर्ट जरूर आएगा, व्यू यहाँ से बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर बन रखा है, सो यू चोली एंजॉय। सो अभी हम लोग आए हैं रात को डिनर करने के लिए मसाला चौक, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू बिकॉज यहाँ पे जो आप ये सारे अलग अलग शॉप्स देख रहे हैं हेयर व्हाट दे हैव डन इज कि जयपुर के जितने भी फेमस स्ट्रीट फूड्स हैं उनकी अलग अलग ब्रांचेस इन लोगों ने खोल रखी है, सो इफ यू आर नॉट वेरी विलिंग टू ट्रैवल टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस टू ट्राई डिफरेंट डिफरेंट फेमस थिंग्स इन जयपुर यू कैन कम टू दिस प्लेस मसाला चौक एंड ट्राई ऑल द फेमस स्ट्रीट फूड विच इज जस्ट हेयर एट द सिंगल प्लेस।
So this is khatta meetha wala. Tanish khatta meetha kya hai? ठीक है गायब। और डेजर्ट खाएंगे हम, इंडियन आइसक्रीम फालूदा ये जो शॉप है यहाँ हम लोग खाएंगे डेजर्ट। और निखिल तूने क्या ऑर्डर किया है? रबड़ी कुल्फी, रबड़ी कुल्फी, रबड़ी कुल्फी। तनिष्क एंड मी वी आर ईटिंग फालूदा मिक्सचर कप। ओ भाई इसका दिस इज द मेन्यू। दिस इज द मेन्यू। तनिष्क और मैंने ये ऑर्डर किया है स्मॉल वाला एंड ही हैज ऑर्डर्ड कुल्फी रबड़ी स्मॉल। और अभी हम लोग हैं इंडियन आइसक्रीम फालूदा शॉप पे और हम लोग पीले मिक्सचर कप। यहाँ पे खाना इज सो टेस्टी, एवरीथिंग इज सो गुड। एंड अब हम लोग एंड करेंगे अपना दिन और अपनी ये ट्रिप इस यम्मी फालूदा के साथ, मिक्सचर कप के साथ।